पहले बजीज को डाइट डाल देते हैं। दोस्तों हम ना इनको अब दो जगह डाइट डालते हैं, क्योंकि अब एक ही जगह काफ़ी है ना अपने बजेस। ये अराउंड 20 या 22 के करीब हैं, तो इसलिए मुझे अलग अलग दो जगह डालना पड़ता है, क्योंकि एक में ज़्यादा खा नहीं सकते। अब इनको पानी भी रख देते हैं और सभी अपनी डाइट खाने लगे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SS पेट ब्लॉगर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हमने ना बजीज को डाइट डाल दी है और अब सीधा चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर जो है एक चीज आपको दिखानी है सबको। पहले हम यहाँ से पानी ले लेते हैं अपने कबूतरों के लिए और अब चलते हैं ऊपर। ये देखो हमारा सेनापति यहीं पर बैठा रहता है। पहले पानी को यहाँ रखते हैं और कबूतरों को छोड़ते हैं। दोस्तों जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ वो ये है। ये ना सत्यम ना रेस्क्यू करके लेकर आया बच्चे को। ये जंगली कबूतरों का बच्चा है। ये ना बाहर गिरा हुआ था खेत में, और खेत में नहीं वैसे प्लॉट में गिरा हुआ था, तो वहां से सत्यम उठा के लेके आया। और इसको पता नहीं डाइट उसने वगैरह डाइट वगैरह डाली कि नहीं, मैं देखता हूँ डाल के। आजा आजा। ओहो ये तो निकल ही नहीं रहा। आजा भाई, ये तो बाहर ही भाग रहा है। ऐसे डाइट तो खाई है इसने, ये तो बाहर भागने को कर रहा है। इसको छोड़े के ना छोड़े, इन्हीं के साथ छोड़ के देख लेते हैं क्या करता है। बाहर जाने के लिए बाहर जाना चाहता है, तो बाहर देख सकते हैं कैसे सभी कबूतर उसके पीछे ही पड़ गए। अगर ये डाइट नहीं खाएगा तो इसे खिलानी पड़ेगी और हम खुद खिलाएंगे। पहले देख लेते हैं खुद खाता है या नहीं। वो देखिए कहाँ घुस जा रहा है। तो ये देखो कहाँ घुस गया। इसको मुझे लग रहा है अंदर ही रखना पड़ेगा, अंदर ही इसको डाइट डालते हैं, नहीं तो ये कहीं इधर घुस ना जाए, फिर मुड़ के निकालना मुश्किल हो जाएगा। चल भाई चल बाहर। ओहो तो उधर घुस गया। चल 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 चल, मैं उसको उधर से पकड़ता हूँ, फिर इसको निकाल के फिर इसको अंदर ही रखते हैं, वरना ये बहुत परेशान करेगा। ये चल 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 चल, इसको अंदर ही छोड़ते हैं। तो मैंने ना इसको इसी में डाल दिया है और इसी में इसकी डाइट रख देंगे। अगर खाएगा तो ठीक है, वरना इसे हम खुद अपने हाथों से खिलाया करेंगे। और जब ये खुद सेल्फ हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे आज़ाद कर देंगे। अगर इसने जाना होगा तो चले जाएगा, यहाँ रहना होगा तो रह लेगा। दोस्तों अब इनको हम डाइट डाल देते हैं। इन बेचारों को भूखा क्यों रखना है, कहाँ है डाइट? ये रहे। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with. Let's take it. You ask. ये लो भाई भाई, फ्रेश पानी, फ्रेश दाना। अब अपना एंजॉय करो। अब बारी है इसकी, अग्रेशन देखो उसका। हम उसको खाने को दे रहे हैं और वो हमें मार रहा है। खा ले भाई खा ले, ये ले। इसको मैं थोड़ा और पास में कर देता हूँ। और मैं ना अब न्यू मेहमान के लिए पानी भी ले आया हूँ, क्योंकि इसकी अब
खातिरदारी हमें अच्छे से करनी है, क्या पता इसने कितने दिन यहाँ रहना है कि नहीं रहना है ना, तो इसलिए हमने अच्छे से इसको खातिरदारी करनी। दोस्तों आपने इंसानों को तो चोरी करते हुए देखा होगा, पर कभी कबूतरों को देखा है? नहीं देखा ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो कैसे चोरी कर रही है, और आसपास देख भी रही थी उस वक्त, दोनों तरफ देख के फिर खा रही थी। देखा, अब हमारे कबूतर भी चोर बन गए हैं। दोस्तों मैंने इस बच्चे को ना बाहर निकाल दिया है, और डाइट भी जो है बाहर निकाल दिया। अब ये ना इन कबूतरों के बीच रहेगा तो शायद इन्हें दाना खाना आ जाए, तो ये अगर खाना सीख गया तो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए अब हम इन्हें भी अंदर कर देते हैं, ये भी थोड़े अभी भूखे हैं, मैंने बाहर अभी कम ही दाने डाले हैं, तो अंदर जब खाएंगे तो वो भी शायद देखकर इसे इनसे सीखेगा और वो भी खाना शुरू कर देगा। चलो खुडे, वो देखो कैसे खाने लगे हैं, पर बच्चा भी वहीं पर है उधर साइड में। मैं और भी डाल देता हूँ इनको। आ, आ, आ। और मैं इसे उठाकर यहाँ पर रखता हूँ। अभी डर रहा है बेचारा, भाग रहा है उधर। कोई नहीं, धीरे धीरे खाना सीख जाएगा, और देखते हैं कब तक सीखता है। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।